नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप इस पौधे को देख रहे हैं, इस जड़ी बूटी को देख रहे हैं, तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं अभी। तो दोस्तों आज मैं नहीं बताऊंगा, आज फिर 100 साल के बाबा जी से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे इस जड़ी बूटी का नाम क्या है और ये किस किस रोगों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है इस जड़ी बूटी में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करिए, वीडियो को देखते रहिए। तो आज हम बाबा जी से फिर मिलेंगे। बाबा जी, ये किस जड़ी बूटी का पेड़ है? ये बेल का पेड़ है। ये बेल का पेड़ है? हाँ। बेल है। तो बाबा जी, ये बेल का पेड़ जो है, ये किस किस रोगों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है इसमें? जैसे ये गैस भी हो जाए पेट में, गैस, हाँ पेट में गैस हो जाए, या मड़ोड़ दे, हाँ अपच हो जाए, या टट्टी साफ नहीं हो, तो इसको, इसके फल का 50 ग्राम गुद्दा ले ले, निकाल ले, और इसके साथ साथ 50 ग्राम बबूल की पत्ती, देसी बबूल, और 50 ग्राम मेथी, और 25 ग्राम जवाइन, और 10 ग्राम नमक ले ले। नमक कौन सा? काला, काला नमक ये ले लें, और बेल को सुखा दें, पत्ती को सुखा दें, और मेथी को सबको सुखा करके एक में इसको पिसाई कर दें। पिसाई करने के बाद में चूर्ण बना लें उसका। ये जो है उनकी मर्जी का, या बुकनी बना लें, या तो गोली बना लें, छोट छोट मटर के दाना भर भर करें, बना करके इसको इस्तेमाल करें। 2-3 दिन के अंदर में, या 4 दिन के अंदर में सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा, ये बेल का पेड़, ये पौधा कहाँ मिलेगा? बेल का पत्ता कहाँ मिलेगा? बेल का पौधा कहाँ मिलेगा? ये पौधा जब मिलेगा तो बेल तो बहुत से जगह होते हैं, लेकिन भरसक तो गाँव में मिले, गाँव में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। अगर इसका दोस्तों बाबा जी जो बताए, बेल का फल लेना है आपको, बेल का फल आपको अगर गांव में मिल जाता है तो ठीक है, और बेल का फल जो है वो पका रहेगा तो भी चलेगा, और कच्चा रहेगा तो भी चलेगा। आपको उसका गुदा ले लेना, 50 ग्राम के मात्रा में इसका गुदा ले लेना बेल का, और 50 ग्राम के मात्रा में आपको बबूल का पत्ता ले लेना है, और 50 ग्राम के मात्रा में मेथी ले लेना है, और 25 ग्राम के मात्रा में जवाइन ले लेना। जवाइन, मेथी, ये सब आपको किराने की दुकान पे आराम से मिल जाएगी। किराने की दुकान पे नहीं मिलती है तो प्रसादी की दुकान पे आप देख लो, आपको आराम से मिल जाएगी। और 10 ग्राम के मात्रा में काला नमक ले लेना इसका। ये चारों पांचों चीज़ बराबर मिक्सर करके उसका बुकनी बना ले आप, आपकी मर्जी है तो आप उसको छोटी छोटी गोली बना ले, हल्का सा पानी उसमें मिला के छोटी छोटी गोली भी बना सकते हो आप, छोटी छोटी। तो आप बुकनी आप बनाओगे तो बुकनी सही रहेगी आपके लिए। आपके पेट में मड़ोर होता है, या पेट दर्द होता है, गैस बनती है आपके अंदर पेट में, तो पेट की जितनी भी बीमारियां रहेगी ये एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक चम्मच ले लेना है बुकनी, और बुकनी लेने के बाद आपको पानी के साथ उसको खा लेना है, सेवन करना है उसका। तो आप इस प्रकार से 2-3 दिन करते हो तो आपकी पेट की बीमारी जो भी रहेगी सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 2-3 दिन बाबा करना है ना उसको? हाँ। 2-3 दिन में सही हो जाएगा पेट की बीमारी? 2-3 दिन हाँ, में सही हो जाएगी, 2-3 दिन में सही हो जाएगी। तो दोस्तों आपको जिस प्रकार से बताया गया आपको उसी प्रकार से उसका सेवन करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में 100 साल के बाबा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।